बिहार की एक खास चाहत थी और वो पूरा हुआ। आरओबी बनने में देर हुई और फिर हम लोगों ने बातचीत किया माननीय रेल मंत्री जी से और यहाँ रेल के अधिकारियों से, तो तेजी से यहाँ पर काम शुरू हुआ। तो ये हमने ही सुझाव दिया था और उसके बाद ये हुआ, और ये तो 2018 तक हो जाना था इसका लक्ष्य। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और नई सरकार के गठन होने के तुरंत बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को पटना में एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। राजधानी वासियों को एक बड़ी सौगात मिल रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं हम खड़े हैं एम्स दीघा एलिवेटेड पथ पर, जो बनकर तैयार है और आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। राज्य की जनता को ये समर्पित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने में ये पुल काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि ये पुल जहाँ ख़त्म होता है वो ठीक जेपी सेतु के पास है और जेपी सेतु से हम ठीक दक्षिण बिहार की ओर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने में ये पुल काफ़ी लाभकारी होगा। जितने जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, पटना के प्रमंडलीय आयुक्त हों या फिर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि हों, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव पहुँचे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पहुँची हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, नीतीश कुमार पहुँचे हैं। तमाम तस्वीरें जो आप देख सकते होंगे, और उसके बाद उद्घाटन किया जा रहा है। 1284 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ यह पुल, 12 किलोमीटर लंबा है और इस पुल के शुरू हो जाने से जाम की जो समस्या है उसमें से भी निजात मिलेगी लोगों को। और काफ़ी लंबा है पुल, जैसे कि हम कह सकते हैं आपको जो अन्य महानगरों में आप देखते हैं दिल्ली में कोलकाता में किस तरीके से एलिवेटेड रोड होता है, वैसे ही इस सड़क को बनाया गया है ताकि राजधानी वासियों को जाम से निजात मिल सके और उनका सफ़र जो है वो सुखदायी रहे, आरामदायी रहे। नीतीश कुमार पहुँचे हैं, तस्वीरें आप देख सकते होंगे। अपने तस्वीरें देखी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। साथ साथ हमने बात की है बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी से, वो क्या कह रही हैं उनको भी सुनिए। तो उसके अप्रोच का ही हम लोगों का उसी समय का ये था, इसको हम लोग एलिवेटेड बनाए और आप देख लीजिएगा कि ये विशेष तौर पर एक सड़क है उसके ऊपर एलिवेटेड, उसके बाद उसको भी एक और उसके ऊपर एलिवेटेड क्रॉस कर रहे हैं। पहली बार सोचा कि और उसके बारे में केंद्र सरकार के भी अधिकारी आए, सब लोगों को लगा कि नहीं बहुत अच्छा आइडिया, तो ये हमने ही सुझाव दिया था और उसके बाद ये हुआ। और ये तो 2018 तक हो जाना था इसका लक्ष्य, लेकिन चूंकि आरओबी बनने में देर हुई और फिर हम लोगों ने बातचीत किया माननीय रेल मंत्री जी से और यहाँ रेल के अधिकारियों से, तो तेजी से यहाँ पर काम शुरू हुआ। अब चूंकि आरओबी जरूरी था, जब आरओबी बन गया रोड ओवर ब्रिज, तो उसके बाद लिंक हो गया और अब आप समझ लीजिए कि लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितनी सहूलियत हो। अब जाने का एक ही रास्ता नहीं, नीचे से भी आने का रास्ता है और दूर से लोग चलेंगे तो अब कितना कम समय में लोग पहुंच पाएंगे। और आप जानते हैं कि धीरे धीरे और ज़्यादा व्हीकल्स की संख्या बढ़ती है, आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, तो वैसी स्थिति में जो ये नया और एलिवेटेड के ऊपर भी एलिवेटेड पथ का निर्माण किया गया है, ये बहुत ही उपयोगी है। और आप देख लीजिए, बिहार की एक खास चाहत थी और वो पूरा हुआ। ये बात अलग है कि हम उसको 2018 में कर देते, लेकिन उसके बाद चूंकि आरओबी का भी काम पूरा हुआ, अब उसके बाद ये मौका लगा तो फिर जो नया कार्यकाल आया है उसका पहला काम करने का मौका मिला तो बड़ी खुशी। एक सवाल है सर, किसान लोग फार्मर बिल को लेकर काफी रोष है, अभी कृषि मंत्री रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात आप जानते, जो बात चल रही है ये जब तक जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, बातचीत करना चाहिए और उनको बताना चाहिए, प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली। और आप तो जान रहे हैं बिहार लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही ना खत्म कर दिया था, और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं, और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, तो जरूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए, और केंद्र सरकार तो चाहती है किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा। बिहार की जनता को
है और ये बिहार की जो सरकार बनी है उन्होंने जो हमें माइंडेड दिया है विकास के लिए, और विकास का पहली कड़ी है और इस कड़ी को हम लोग सारी जनता को समर्पित कर रहे हैं। खुश होगी रूप से हमारा लाइफलाइन हुआ ना हॉस्पिटल के लिए, बहुत बड़ी लाइफलाइन होगी। जाम से भी निजात मिलेगा, हमारे पेशेंट को आने में भी एम्स में सुविधा होगा, सब तरह से सुविधा होगी। और बड़ी सड़कें बनेंगी, और भी बड़ी सड़कें और पुल भी बनेंगे। आप देखे होंगे माननीय नरेंद्र मोदी ने जो आधारशिला रखा है, वो आधारशिला सिर्फ रखना नहीं, काम पूरा करना हमारा लक्ष्य है। तो आपने दोनों को सुना है, आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। बिहार की एक खास चाहत थी और वो पूरा हुआ कि आरओबी बनने में दिन थी, और फिर हम लोगों ने बातचीत किया माननीय रेल मंत्री जी से और यहाँ रेल के अधिकारियों से, तो तेजी से यहाँ पर काम शुरू हुआ। तो ये हमने ही सुझाव दिया था और उसके बाद ये हुआ, और ये तो 2018 तक हो जाना था इसका लक्ष्य।